एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में आज ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से है कम्युनिकेशन में हम सेंसरी सिस्टम्स uh, का भी जिक्र करेंगे और नर्वस सिस्टम का भी तो आज इस मोड्यूल के अंदर इंट्रोडक्शन uh, करवा रहे हैं हम नर्वस सिस्टम का तो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है टू कम्युनिकेट टू इंटाग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ़ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल बॉडी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सिस्टम्स हैं मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है वाटर वास्क दिस ब्लड वास्कुल सिस्टम है और uh, और एंड वेरियस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम है तो ये तमाम जो मुख्त किस्म के सिस्टम्स हैं उनको इंटाग्रेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ़ द बॉडी तो ये नर्वस सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि किसी घर के अंदर एक का सरबरा है तो सरबरा क्या लुक आफ्टर करता रहता है अपनी फैमिली मेंबर्स को और उनको इंटेग्रेट रखता है उसको एक होमली अफेयर या होमली कंडीशंस जो हैं या होमली जो एक इन्वामेंट है वो प्रोवाइड करना सरबराह का काम है और वह फिर आपस में वह जो उसकी औलाद है उसकी बेटे बेटियां हैं और उसकी अगली जनरेशन है उनको आपस में कम्युनिकेट करना और उनकी आपस में फिर ये कोऑर्डिनेट करना ये भी सरबराह का ही काम होता है तो इसी तरह नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो कि इन तमाम चीज़ों को हमारे तमाम सिस्टम्स को बॉडी ऑर्गन्स को बॉडी सिस्टम्स को इंटेग्रेट करता है और इसको आपस में कोऑर्डिनेशन भी इसी का ही काम है और तभी तभी ये एनिमल जो है वो सही तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है तो इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन फ्लो जो है थ्रू दिट हैज़ थ्री मेन यू कैन से द स्टेप्स तो ये सिस्टम करता क्या है ये फर्स्ट इट गेट्स इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी और दैट इज़ थ्रू द रिसेप्टर्स जैसे कोई इंटरनली भी इंटरनली भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और एक्सटर्नली भी अगर मिसाल के तौर पे अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली परेशन ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके और ये रिसेप्टर्स होते हैं रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पर कहा जाता है फाइव रिसेप्टर्स जिसके अंदर जैसे आईज ईयर्स नोज़ टंग स्किन वगैरह तो दीज आर द रिसेप्टर, दे रिसीव स्टिमुलस और स्टिमुलई बेश उसी के हिसाब से फिर स्टिमुलई भी मुख्तलफ है और uh, मिसाल के तौर पर लाइट स्ट्रॉग लाइट दैट इज़ ए स्टमुलस इसी तरह टच दैट इज जैसे हम प्रेशर कहते हैं या टेम्परेचर का हीट uh, का इंक्रीज या डिक्रीज होना ये भी रिसेप्टर्स ही हैं जो इस चीज़ को इन्फॉमेसन हासिल करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग होती ये इंफॉर्मेशन जाती है टू दी सेंटर नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रोसेस होती हैं और प्रोसेस होने के बाद यही इंफॉर्मेशन वो फिर जाएगी अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स की तरफ तो वो फिर अप्रोप्रियट रिसेप्टर्स क्या है ये मसल्स हो सकते हैं ग्लैंड्स हो सकते हैं लेकिन एक और भी है मिसाल के तौर पे जब हम कोई चीज़ देखते हैं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें तो इफेक्टर्स या ग्लैंड या मसल्स काम नहीं करते तो वो सरीबरल एक्टिविटी है जो वो फिर उसके रिस्पॉन्स पे वो एक्टिव होती है जिसे हम कहते हैं कि हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं तो ये तीन मेन चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम का कलेक्शन कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैन जिसके अंदर यकीन रिसेप्टर्स काम करते हैं लेकिन कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी हैं जो एंड्स हैं वो भी रिसीवर के तौर पे वो रिसिपियन के तौर पे काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है देन द प्रोसेसिंग और इनिशिएशन ऑफ द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देन टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटरग्रेट बॉडी फंक्शंस वो जो कि होम्योस्टास के लिए मेंटेनेंस इंटरन कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के लिए वो न्यूरॉन्स हैं और हारमोन्स हैं अगरचे हॉमोन्स जो हैं वो भी एक लिहाज से रिमोटली दे आर कनेक्टेड विद द विद नर्वस सिस्टम क्योंकि कोई ग्लैंड है जो कि एक एक एंडोक्राइन um, ग्लैंड है तो दैट इज़ इनफैक्ट द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड दीज न्यूरॉन्स दे प्रोड्यूस हारमोन्स और ये एक नया सिस्टम बन जाता है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं तो दिस इज दिस इज़ आल्सो फॉर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंटेग्रेशन, फॉर कम्युनिकेशन जो कि हम uh, अगले जाके uh, इसमें मॉड्यूल्स के अंदर इनको बहुत डिटेल में इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर कम्युनिकेशन और uh, वो फोकस करेगा किस पे फोकस ऑन एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स तो ये Uh, जो uh, ये मुख्तफ किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं यह है एक चार्ट है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन को एक यकजा किया गया है और इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर नर्वस सिस्टम है एक पेरीफुल नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम इसके दो मेन हिस्से के ब्रेन स्पनकॉर्ड इसी इसके साथ ही ईफरेंट और एफरेंट न्यूरोस हैं एफरेंट आमतौर तौर पर कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को और ईफरेंट कहते हैं मोटर न्यूरॉन को और इसके अलावा द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ये दिखाया गया है तो रिसेप्टर्स फर्स्ट इट इज़ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स ये रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकते हैं और नर्व एंडस भी हो सकते हैं उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आती है टूवर्ड द एफरेंट पाथ ये एक दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन देन द इंटाग्रेशन दिस इज परफॉर्म्ड बाय सीएनएस एन एस विच इज आल्सो सेंटर न सिस्टम वहाँ पे इंटग्रेशन होती है वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है और वो फिर इंफॉर्मेशन इफर एंड पाथ से या दूसरे लफ्जों में मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स की तरफ जाता है तो देन दीज इफेक्टर्स द शो दर इफेक्ट जैसे मसल्स हैं तो दे शो दर इफेक्ट बाई कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन और अगर ग्लैंड है तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या शो करती है बाई सीक्रीटिंग दी हारमोन्स और हारमोन्स दे आर दी केमिकल मैसेज जिसका हम डिटेल में अगले मोड्यूल्स में जिक्र करेंगे ये एक एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम सिस्टम्स को इंटेग्रेट करता है तमाम सिस्टम को आपस में उनकी कोआर्डिनेशन करता है तो इस लिहाज से नर्वस सिस्टम दैट प्लेज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर बॉडी में से नर्वस सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए तो ये तमाम सिस्टम्स वो काम करना बंद कर देंगे And that will lead to the death of the person.